नेक्स्ट यस, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्राई आयोडोमीथेन। देखो पहले हमने क्या लिया था, मीथेन लिया, उसका क्लोरीनेशन किया तो हमें मिल गया क्या, क्लोरोमीथेन। फिर से क्लोरीनेशन किया तो हमें मिला डाइक्लोरोमीथेन। तो हमने पहला एप्लीकेशन समझा किसका, डाइक्लोरोमीथेन का। हम क्या समझ रहे हैं अभी, पोली हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में समझ रहे हैं। समझ रहे हैं मतलब मेनली उसमें क्या देख रहे हैं हम, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब उसके यूज एंड एडवांटेज जो है उसी का हम यूज कर रहे हैं। तो यूज एंड डिसएडवांटेज बोलो या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बोलो, वो हम देख रहे हैं। तो हमने डाइक्लोरोमीथेन देखा, उसके बाद क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन देखा। ओके, अब ट्राइक्लोरोमीथेन में ही क्लोरीन निकाल दो और आयोडीन लगा दो। ओके, सो ट्राई आयोडोमीथेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको जैसे उसको क्लोरोफॉर्म बोल रहे थे, इसको ऐसे बोलते हैं आयोडोफॉर्म। ओके, सो इट वॉज यूज अर्लियर एज एन एंटीसेप्टिक, पहले एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता था। ओके, पहले एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता था, बट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन एंड नॉट ड्यू टू द आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। लेकिन ये जो एंटीसेप्टिक की तरह जो यूज होता था, वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से थी, आयोडीन की वजह से थी। आयोडीन मतलब फ्री आयोडीन की वजह से, जब मतलब जो ट्राई आयोडोमीथेन है उसको अगर सपोज एंटीसेप्टिक, जैसे हम डेटॉल लगाते हैं, क्या होता है दूसरा, डेटॉल, सेवलॉन एंड ऑल सब होता है ना, तो वो अगर हम लगाए, ओके, जब कुछ गिर गए, लगा कुछ भी, तो वो हम क्लीनिंग के लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए अगर हम लगाए ऐसे, तो वो एंटीसेप्टिक की तरह काम कौन करता है, अगर हमने ट्राई आयोडोमीथेन लगाया तो काम कौन करता है, फ्री आयोडीन काम करता है, नॉट ट्राई आयोडो नहीं डायरेक्टली, लेकिन वो लगेगा तो उसमें से आयोडीन रिलीज हो जाएगा और वो आयोडीन एज अ एंटीसेप्टिक काम करता है। ओके, सो पहले ऐसा एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता था ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल। ओके, मतलब एकदम ऑब्जेक्शन बोलते हैं ना, ऑब्जेक्शन मतलब रुको हमें खेद है, ऐसे नहीं कोर्ट रूम में बोलते हैं ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड ऐसे, तो ऑब्जेक्शन एबल स्मेल मतलब गंदी, मतलब जो पसंद ना आए वैसी। ओके, सो वैसी स्मेल है, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग आयोडीन। जब भी ये यूज होते थे तो जो पेशेंट्स होते हैं, ओके, ए डॉक्टर क्या है ये, कितना बदबू मार रहा है ये वो, ऐसे होता था। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, नहीं तो डॉक्टर थोड़ा बहुत हो तो डॉक्टर अच्छा लगा हुआ है ना, क्या ये चाहिए वो चाहिए करना पड़ेगा दवाई है ऐसे, लेकिन बहुत ज्यादा इवन डॉक्टर्स को भी ऐसा लगता था ये करना है, अरे तो हमें ट्रीटमेंट देनी है और वापस तुम ऐसे ही करोगे तो सही से ट्रीटमेंट नहीं होगी, उसको रिप्लेस ही कर दिया दूसरे कंपाउंड से। ओके, सो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्शनेबल स्मेल थी उसकी, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया। ये एक ही पॉइंट का ही दूसरा पॉइंट बना हुआ है। ओके, दैट्स इट, ट्राई आयोडो मीथेन में यही था। तो ट्राई आयोडो मीथेन में तो क्या है भाई, यही है। ओके, कि ये हमारा एडवांटेज और ये हमारा डिसएडवांटेज, यही एडवांटेज था कि एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता था और वही डिसएडवांटेज बन गया उसकी स्मेल की वजह से। दैट्स इट, इतना ही, डन।